और कहावत पुरानी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में भी उतनी प्रासंगिक है जितना पहले हुआ करती। और इसका एक जीता जागता प्रमाण देश भर के बड़े शहरों में स्मार्ट मोबिलिटी के प्रयासों और उससे आम जनजीवन में हो रहे बदलाव को देखने से मिल रहा है। परिवहन के साधनों का कायाकल्प, रोड के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को जोड़ा है, भौगोलिक दूरियां कम हुई और आपसी संपर्क बढ़ने के कारण दिलों की दूरियां भी कम हुई। श्रीनगर स्मार्ट सिटी और उसके आसपास के क्षेत्र में ये 100 इलेक्ट्रिक बसें जिनमें से 75 आपके बीच उपस्थित हैं। टाटा मोटर्स देश की एक लब्ध प्रतिष्ठित कंपनी है, लेकिन शिकायत यह है कि 5 महीने देरी किया है। तो 5 महीने का कंपनसेशन श्रीनगर वालों को क्या देगी? एक ही उम्मीद है कि बेहतर सेवा रहे, यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, तो ये 5 महीना लोग भूल जाएंगे और तकलीफ होगी तो मेरे का ये 5 महीना बड़ी पीड़ा देगा। ये इसके बारे में विवरण पूरा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसलिए और 12 साल जो ऑपरेशनल कास्ट आएगी वो लगभग 900 से 950 करोड़ आएगी। आपसे मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रधान गोयल साहब ने थोड़ा संकेत किया, उसमें भी 50% सरकार दे रही है, किराया 50% ही दिया जा रहा है। और कहावत पुरानी है लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में भी उतनी प्रासंगिक है जितना पहले हुआ करती। और इसका एक जीता जागता प्रमाण देश भर के बड़े शहरों में स्मार्ट मोबिलिटी के प्रयासों और उससे आम जनजीवन में हो रहे बदलाव को देखने से मिल रहा है। परिवहन के साधनों का कायाकल्प, रोड के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को जोड़ा है, भौगोलिक दूरियां कम हुई और आपसी संपर्क बढ़ने के कारण दिलों की दूरियां भी कम हुई। श्रीनगर स्मार्ट सिटी और उसके आसपास के क्षेत्र में ये 100 इलेक्ट्रिक बसें जिनमें से 75 आपके बीच उपस्थित हैं। टाटा मोटर्स देश की एक लब्ध प्रतिष्ठित कंपनी है, लेकिन शिकायत यह है कि 5 महीने देरी किया है। तो 5 महीने का कंपनसेशन श्रीनगर वालों को क्या देगी? एक ही उम्मीद है कि बेहतर सेवा रहे, यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, तो ये 5 महीना लोग भूल जाएंगे और तकलीफ होगी तो मेरे का ये 5 महीना बड़ी पीड़ा देगा। ये इसके बारे में विवरण पूरा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसलिए और 12 साल जो ऑपरेशनल कास्ट आएगी वो लगभग 900 से 950 करोड़ आएगी। आपसे मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रधान गोयल साहब ने थोड़ा संकेत किया, उसमें भी 50% सरकार दे रही है, किराया 50% ही दिया जा रहा है।